नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ, नौकरी के लिए राज्य से 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता खत्म। झारखंड में नौकरी करने के लिए अब राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। गुरुवार को कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दी। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी शामिल किया गया। इधर जो है राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की भी स्वीकृति दी। इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय और जनजाति भाषाओं को चिन्हित किया गया था। उनमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुखोरठा, नागपुरी, ओड़िया, पंच, परगनिया और कुरमाली भाषा शामिल थे। अब कैबिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी। जिला स्तरीय पदों के लिए क्रामिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा को चिन्हित कर अलग से सूची जारी करेगा। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की बाध्यता समाप्त करने और चिन्हित भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। स्टूडेंट के लिए सरकार ने खोली झोली, आवासीय स्कूल से लेकर पॉलिटेक्निक तक की मिली सौगात। राज्य सरकार आगामी साल में स्टूडेंट पर 14,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे से तकनीकी हायर एजुकेशन से लेकर स्कूली शिक्षा तक को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12,546 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,354.53 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। झारखंड में अब प्राथमिक स्कूलों में होगी बंगला और उड़िया की पढ़ाई। राज्य के 1,828 पंचायत जीरो ड्रॉप्ड आउट घोषित हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप्ड आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले साल तक वैसे सभी स्कूल जहां छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, वहां अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। मुंडारी, खड़िया, कुडुक, हो और संथाली भाषाओं के साथ बंगला और उड़िया की पढ़ाई चयनित प्राथमिक स्कूलों में कराई जाएगी। झारखंड में चाईबासा, दुमका और बोकारो में होंगे आवासीय स्कूल। राज्य में नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्य सरकार राज्य गठन के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और छात्रावासों को जीर्णोद्धार भी कराएगी। वहीं जहां इनकी जरूरत है वहां इनका निर्माण भी कराएगी। इसके लिए 385 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उस शिक्षा के लिए बच्चों को सोचना ना पड़े, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजनाएं चलाया जाएगा। इस योजना से 3700 स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। झारखंड के 7 जगहों में खुलेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक। सभी राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा बरही, खुट्टी, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खुट्टी, बागदौर और पलामू में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होंगे। इसे प्रज्ञा फाउंडेशन चलाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,354.53 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। झारखंड में एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा। हजारीबाग के कोयला कारोबारी के घर मिले 3 करोड़ रुपए। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी की टीम ने राजधानी रांची और हजारीबाग में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान हजारीबाग के एक कोयला कारोबारी की यहाँ से ईडी की टीम ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। ईडी के अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई भी विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है। उनका कहना है कि छापे की कार्रवाई खत्म होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। झारखंड राज्य की हर पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना, 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चौथी बार बजट पेश किया। इसके तहत ग्रामीण विकास के लिए 8,166 करोड़ रुपये, जल संसाधन के लिए 1,964 करोड़ रुपये और पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,968 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान, समूह बीमा का लाभ भी मिलेगा।
आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में की। अपना चौथा बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई है। इसके मासिक मानदेय में 3100 रुपये से 4800 रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 से इसके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2023-24 से इनके मानदेय में प्रतिमाह 500 रुपये तथा 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करके राज्य सरकार इन्हें ग्रुप इंश्योरेंस का भी लाभ देगी। इसके अलावा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6000 रुपये प्रति केंद्र की दर से समेकित निधि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छोटी मोटी तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति हो सके। झारखंड में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए 4627 करोड़ मिलेट मिशन योजना पर जोर। ओडिशा की तर्ज पर झारखंड में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके तहत श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं कई नई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कृषि एवं संबंध परिक्षेत्र के लिए बजट में 11.84% की वृद्धि करते हुए करीब 4627 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, ओलंपिक में सोना जीतने पर मिलेगा 5 करोड़ रुपए, जानिए अन्य खेलों पर इनामी राशि। कैबिनेट में ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि पर सहमति दी। प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार और तय मानकों में संशोधन की मंजूरी दी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, रजत पदक विजेताओं को 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भागीदारी करने वालों को भी 7 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। हर 4 वर्षों पर होने वाले विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50 लाख, रजत पदक विजेताओं को 35 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में राशि क्रमशः 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। रेलवे स्टेशन से 16 किलो गांजा हुआ बरामद, 3 तस्कर मिलकर कर रहे थे गांजा को बिहार और ओडिशा ले जाने की कोशिश, होली के कारण बड़ी डिमांड। रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची रेलवे स्टेशन से 16 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा के साथ साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। होली के कारण बिहार और ओडिशा में इस गांजा को बेचा जाना था। तस्करों ने बताया कि होली की वजह से आसपास के राज्यों में गांजा की डिमांड बढ़ गई है। आप सबको बता दूं कि होली के पहले रांची रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गांजा की तस्करी कर रहे और इसे बिहार और उड़ीसा में बेचने की तैयारी है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के सरायकेला की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना भी। झारखंड के सरायकेला की अदालत ने शुक्रवार को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 2018 का है। गणेश पूजा के दिन ये घटना हुई थी। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान मारने की धमकी भी बच्ची को दी गई थी। बच्ची ने सारी बात माता पिता को बताई। इसके बाद गम्हरिया थाने में पीड़िता के माता पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत भरनो प्रखंड की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी सर्किल इंस्पेक्टर SN मंडल और थानेदार कृष्ण कुमार तिवारी ने दी। मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा, जड़ा ताला। खुट्टी के रेफरल अस्पताल तोरपा में डॉक्टर के नहीं रहने से घायल मरीज की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों अस्पताल गेट में ताला जड़ दिया तथा अस्पताल के सामने रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार तोरपा थाना क्षेत्र के कसमार गाँव निवासी वीरेंद्र माझी शुक्रवार को ट्रैक्टर चला रहे थे। इसी क्रम में गाँव के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था।
10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास। सरायकेला में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने दोषी भुगलू महली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला गम्हरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का है। जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुआ मौत। रांची के टाटी सिलवी थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलोंग सरला बिरला स्कूल के समीप चाउमीन खा रहे आरा गेट निवासी अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। आनंद फानंद में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। इधर जो है परिजन मेडिकल लेकर गए, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई। झारखंड बजट 2023 में बेरोजगारों को भत्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए। झारखंड में जारी रहेगी कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत योजना। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को, खासकर कृषि ऋण माफी योजना और सुखाड़ राहत योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में 2 नई योजनाओं की भी घोषणा की। आप सबको बता दूं कि कृषि समृद्धि योजना और फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को और सशक्त करने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को राहत और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।